हेलो फ्रेंड्स, फोकस ऑन स्टडी विद ईश्वर में आपका स्वागत है। आज हम HAS 2017 का GS का पेपर सॉल्व करेंगे और आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है फ्रेंड्स। इससे आपको पैटर्न पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों में होगा फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश में। तो मैं आज हिंदी से स्टार्ट करूँगा। मैं इसकी PDF प्रोवाइड कर दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 1-2 घंटे के बाद इसकी PDF प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से आए थे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी इंडियन पॉलिटी कितनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था दल बदल निरोधक कानून, जिसमें सदस्यों के अयोग्य घोषित करने की धाराएं है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो मैंने कंप्लीट इंडियन पॉलिटी पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स, तो आप मेरा प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। वहाँ पे इंडियन आर्ट एंड कल्चर की भी कंप्लीट सीरीज डिस्कस कर चुका हूँ, तो वहाँ से आप देखना भूले, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है अनुसूची 10। अनुसूची 10 में दल बदल निरोधक कानून के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पदत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, और भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों को मतलब की बैठक को बुलाता है, ठीक है, संबोधित करता है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत अध्यक्ष किसी संसद को सदन में उसकी भाषा में बोलने की अनुमति प्रदान करता है? तो है अनुच्छेद 120 फर्स्ट। सर्वोच्च न्यायालय का इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ का निर्णय किस मुद्दे से संबंधित है? तो ये था फ्रेंड्स अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूची 243H के अंतर्गत पंचायतों को दी जाने वाली सहायता अनुदान राशि किस स्रोत से प्रदान की जाती है? तो ये फ्रेंड्स, जब जो ऑफिशियल आंसर की थी उसमें भारतीय संचित निधि ऑप्शन दिया था, जब रिवाइज आंसर की आई थी तो उसमें इसके बारे में ये क्वेश्चन ही गलत हो गया था, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि जो पंचायतें होती है वो क्या करती है, करों को संग्रहित करती है, ठीक है, और इसमें कन्फ्यूजन था, इसलिए ये इस क्वेश्चन के मार्क्स सभी को इंक्लूड किए गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सही क्रमबद्ध वर्णन है? तो वो है फ्रेंड्स, सबसे पहले संप्रभु, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य का वर्णन किया गया है। अब आपको मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। यदि आपको अनुच्छेद अच्छे से याद है तो आप आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? भेदभाव, लिंग, जाति वगैरह से संबंधित है, ठीक है, तो 1 का 3 हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 का वर्णन किसके लिए किया गया है? तो है बंदी पर, बंदी बंदी के विरुद्ध रक्षा करता है ना, सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 में आपको धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, आप उसमें प्रचार वगैरह कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। तो ये है संवैधानिक उपचार, आर्टिकल 32, जिसमें 5 तरह की रिटें जारी करने का प्रावधान किया गया है। तो ये सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान में वर्णित आपातकाल प्रावधानों से संदर्भ में सही है? तो सही है पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो ये पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 प्रकार के आपातकाल की वर्णन करता है, ये गलत है। 3 प्रकार के वर्णन होता है आपातकाल, 352, 356 और 360। और यहाँ पे बता रहा है कि संविधान में आपातकाल प्रावधानों का अनुच्छेद 340 से 356 तक वर्णन है, जबकि 352 से 360 तक वर्णन है। भारत में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है, तो ये राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, यही सही है, बाकी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत सरकार की कौन सी नीति गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों की रसोई गैस उपलब्ध कराने से संबंधित था? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम, और ये उज्ज्वला योजना है, ठीक है। निम्न में से भारत के वित्तीय आयोग के संदर्भ में कौन सा वित्त सही है? सही है पूछ रहा है फ्रेंड, तो जब भी बात आए
भारत के वित्तीय आयोग के बारे में तो आप डायरेक्टली आंसर लगा दीजिए, यह संबंधित है, यह राज्य एवं केंद्र के बीच वित्तीय संबंधों के कार्य करता है। ठीक है, बजट की बात हो रही है, 2017-18 में मनरेगा को आवंटन धनराशि है तो वो है 48,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पुरुष एवं महिला की साक्षर दर क्रमशः कितनी थी? तो 89.53% पुरुषों की थी और 75.93% स्त्रियों की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मानव विकास सूचकांक के मापन के संदर्भ में यदि आपको पता है तो इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? तो इसमें तीन चीज़ें इंक्लूड की जाती है फ्रेंड्स, एक होती है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ए बर्थ, ठीक है, शिक्षा सूचकांक होता है इसमें, और तीसरा होता है आय सूचकांक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया था जीवन प्रत्याशा तो ठीक था, और दूसरा दिया गया था शिशु मृत्यु दर, और जबकि इसमें यहाँ पे एक आना था आपका शिक्षा सूचकांक जो कि नहीं दिया था, ऑप्शन में ही नहीं था। ठीक है, और आय सूचकांक भी नहीं था यहाँ पे, प्रति व्यक्ति आय, चलो ये प्रति व्यक्ति आय दिया था। ठीक है, तो इस जो ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो मैच नहीं हो रहे थे, इसलिए इसका भी क्या कर दिया, रिवाइज आंसर की मैं, पहले तो इसका ऑप्शन आंसर की मैं, ऑप्शन क्या था ये सभी थे, परंतु जब रिवाइज आंसर की आई तो इसका जो मार्क्स है वो सभी के लिए इंक्लूड कर दिए गए। ठीक है, तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी चाहिए इसमें, एक होगी जीवन प्रत्याशा, एक होगी, दूसरी होगी शिक्षा सूचकांक, और तीसरी होगी आय सूचकांक। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि 2018 में जो टॉप किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसमें नॉर्वे ने किया, फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे आया है, और भारत का स्थान 130वां है। ठीक है, 130 रैंक है, और 189 देशों देशों में से 130वां है। ठीक है, और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? यूएनडीपी करता है। ठीक है, यूएनडीपी जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? तो ये सभी को बताऊंगा फ्रेंड्स, NSSO। अमृत की शुरुआत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक क्वेश्चन भी बन जाता है, ये हुई थी 25 जून 2015 को 500 शहरों के आधारभूत शहरी ढांचे के सुधार के लिए किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्कीमों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम में। निम्न में से भारत के कौन से राज्यों में गरीबी अनुपात सर्वाधिक है? तो ये था ओडिशा में। बजट प्रस्ताव 2017-18 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन आंसर की के अकॉर्डिंग ग्रामीण कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 80,000 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। 12वीं योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर आकलित की गई है, वो की गई थी 7.2%। वर्ष 2015-16 के दौरान भारत में सामान्य प्रमुख स्थिति यूपीएस आधारित बेरोजगारी दर क्या थी? तो वो थी 5%। रामसर सम्मेलन के अंतर्गत भारत के आर्द्र भूमि क्षेत्र की संख्या कितनी है? वो थी फ्रेंड्स 26। हमेशा रहने वाले प्रदूषकों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारत ने स्टॉकहोम सम्मेलन की में संशोधन कब किया था? तो ये किया था 2006 में। पर्यावरण निम्नीकरण के कारण मानव के लिए मुख्य हानि निम्नलिखित में से किससे होती है? तो ये होती है पारतंत्र सेवाएं से। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2017 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषणा की? तो वो की थी विकास के लिए धारणीय प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है खतरनाक व्यर्थ पदार्थों का सीमा पर परिगमन और उसके निपटान से संबंधित वैश्विक समझौते को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है बैसल कन्वेंशन। निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक आशाजनक जैव जैव डीजल फसल है?
तो फ्रेंड्स ऑप्शन आंसर की में इसका आंसर सोयाबीन दिया गया था, जबकि रिवाइज्ड आंसर की आई तो उसमें ऑप्शन दोनों दिए गए थे। ठीक है, तो गन्ना और सोयाबीन दोनों क्या है, अधिक आशाजनक जैव डीजल फसल है। किसके द्वारा जल की जैविक ऑक्सीजन मांग में कमी आती है, तो है द्वितीय उपचार। विश्व के सागरों और बड़ी झीलों में मृत क्षेत्र की क्या विशेषता है, तो क्या क्या होता है विश्व के महासागरों में और बड़ी मृत झीलों में, तो वो होता है उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग होती है, अधिक शैवाल का फलना होता है, नाइट्रेट और फास्फोरेट पोषकों की अधिकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कहाँ पर हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने में कार्बन कर का उपयोग सफल रहा है, तो यहाँ भी फ्रेंड्स दोनों ही आंसर इसके राइट है, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जिसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है विलोपन के कगार पर से अनुपवासी हिरण का संरक्षण। आलू के चिंपू टुकड़ों को सील किए गए थैलों में भरते समय उसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए निर्माता किसकी उपस्थिति में उन पैकेटों को सील करते हैं, तो ये पूछ रहा है कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिटमस रंजक कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये इजी क्वेश्चन था फ्रेंड, ये लाइकेन शेक से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक खाने खाने से अधिक यदि कोई अम्लता का शिकार हो जाता है तो क्या इलाज है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यदि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पीएच लगभग 10 होता है, तो ये जी क्वेश्चन था, मैग्नीशिया का दूध का होता है फ्रेंड्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होती है, तो नहीं होती है पूछ रहा फ्रेंड्स, तो ये नहीं होती है, पर्ण हरित का निम्नीकरण नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र महासागरों की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त होता है, ये तो इजी क्वेश्चन था, फाथोमीटर। ठीक है, प्रकाश वर्ष, ये इजी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, किसकी इकाई है, खगोलीय दूरी की इकाई है, तो प्राइमरी कलर भी सबको पता है, प्राथमिक कलर कौन कौन से होते हैं, लाल हरा नीला। ठीक है, नाखून पॉलिश पॉलिश निकालने वाले द्रव में क्या होता है, तो वो होता है एसीटोन, एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक दुर्लभ गैस कौन सी है, तो वो है फ्रेंड्स सबसे अधिक दुर्लभ गैस पूछ रहा है, तो है आर्गन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हिमाचल पर अब एचपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंबा रियासत के राजा ने अपनी रियासत की राजधानी भरमौर से चंबा बदली थी, इसी क्वेश्चन था, साहिल वर्मा। नूरपुर रियासत के किस राजा के शासन काल में मकोट नूरपुर और तारागढ़ के किले मुगलों ने जीत लिए थे, तो उस टाइम जगत सिंह का शासन था। जलंधर और त्रिगर्त के शाही परिवार के इतिहास की ओर ध्यान दिलाने वाला पहला यूरोपीय कौन था, वो था कनिंगम। गोरखाओं ने किस वर्ष आसपास सिरमौर रियासत को जीत लिया, तो वो जीता था 1803 में। बुशहर रियासत के किस राजा को मुगल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था, काफी रिपीटेड क्वेश्चन होता है, केहरी सिंह। और मंदिरों को तोड़ने का किसने मना की थी, तो वो चतर सिंह था, चंबा का राजा। ठीक है, उसने मंदिर को तोड़ने की औरंगजेब की बात को नहीं माना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान के विद्वान सतलुज नदी को किस नाम से पुकारते थे, तो ये पुकारते थे हिसीडरस के नाम से। ठीक है, दंत कथा के अनुसार मानासुर को जो ऊपरी शिमला के सरहान का शासक था किस देवता ने मारा था, तो वो था देव पुराण के अनुसार। ठीक है, स्पीति नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो वो है कुंजमदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015-16 में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस स्थान पर महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चलाया जा रहा है, तो वो है था
भराड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सबड़ा कुड़ू जल विद्युत परियोजना की क्षमता लगभग कितनी है? वो है 111 मेगावाट। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के दो जिलों में चलाया जाएगा, तो वो था कांगड़ा और चंबा में चलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पात्र वर्ग की महिलाओं को गैस कनेक्शन खरीदने के लिए कितनी राशि उपदान के रूप में दी जाती है? तो वो था 50%, अधिकतम सीमा कितनी थी? 1300 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला जिले की जुब्बल तहसील में हाटकोटी स्थित हाटेश्वरी मंदिर की वास्तुकला शैली क्या है? तो वो है फ्रेंड्स स्तूपाकार शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा कलम की शैली की कांगड़ा की 18वीं शताब्दी की चित्रकला में निम्नलिखित में से किस विषय वस्तु में चित्रित नहीं है? तो राइट आंसर था जायसी की पद्मावत। वर्तमान हिमाचल प्रदेश विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 3 सदस्य। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले में सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? वो था ज्यूरी में। 2010-11 की कृषि जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लघु जोतों का प्रतिशत क्या है? तो वो था 18.17%। हिमाचल प्रदेश के शिमला की चौपाल तहसील की सुगराठी ठांगार कुरखेड़ा पालीखेड़ा कड़गल डडेरा में लाइमस्टोन की गुणवत्ता व मात्रा का पता लगाने के लिए किस कंपनी को संभावित लाइसेंस जारी किया गया था? वो क्या गया था? रिलायंस सीमेंटेशन। किस हिमाचली क्रांतिकारी ने स्वतंत्रता पूर्व लाहौर से सुदर्शन चक्र नामक पत्रिका का संपादन किया? वो था इंद्रपाल। कुल्लू एंड लाहौल के लेखक कौन है? तो सीजी प्रूस। वर्ष 2016 की संयुक्त राष्ट्र मानव संसाधन रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास के क्षेत्र में विश्व में तीन शीर्ष देश कौन से थे? तो मैंने पहले भी बताया था, देखो इससे क्वेश्चन दो बन गए हैं। तो पहला था नॉर्वे, यदि आपको पहला पता था तो आप इसके राइट आंसर बता सकते थे। ठीक है, सेकंड था ऑस्ट्रेलिया, थर्ड था स्विट्जरलैंड और भारत का 130वां रैंक था। ठीक है फ्रेंड्स, जो 2016 की बात की थी नॉर्वे था है, और जो 2018 में उसमें भी नॉर्वे। ठीक है, क्लियर। 15-16 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड निम्न में से किन्हें दिया गया? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड था। इसमें तीनों को दिया गया था, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक और जीतू राय, है ना। एम भूपी को नहीं दिया, भूपति को नहीं दिया। ठीक है, वर्ष 2016 का ज्ञानपीठ अवार्ड निम्नलिखित में से किसे दिया गया? तो 2016 का पूछ रहा है, तो शाखा घोष को दिया गया था, शिखा घोष, सॉरी शिखा घोष है। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 2017 का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो वो 2017 की बात कर रहा है, तो आलोक कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के इतिहास में तहमीना जंजुआ किस पद को संभालने वाली पहली महिला है? तो वो थी विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी। ठीक है, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, इजी क्वेश्चन था। उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किन नदियों को जीवन तत्व या लिविंग एंटिटीज कहा गया है? तो वो कहा गया था गंगा और यमुना, तो मतलब कि 1 और 2 राइट हो जाएगा इसमें। भारत में जीवन प्रतीक्षा लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? तो वो है 63.3% वर्ष, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जिला जहां से ऊपर उत्तर भारत के राज्यों के दो मुख्यमंत्री 2017 है किस राज्यों में है? तो है उत्तराखंड। किस उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय ने अवमानना नोटिस जारी किया है? तो वो क्या था फ्रेंड्स? कलकत्ता।
उच्च न्यायालय के। कोल जनजाति किन राज्यों में पाई जाती है? ये पाई जाती है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे? 2017 की बात कर रहा है तो उस टाइम थे डॉक्टर विजय भाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटा विकल्प का प्रयोग पहली बार किस चुनाव में किया गया था? वो किया गया था 2013 में। 2017 में पद्म विभूषण अवार्ड निम्नलिखित में से किन्हें दिया गया है? तो अवार्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये तीनों को दिया गया था। तो ये दिया गया था फ्रेंड्स, सदगुरु जगवी वासुदेव, शरद पवार और सुंदरलाल पटवा को। ठीक है, तो राइट हो जाएगा 2, 3, 4, ऑप्शन डी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति के समय राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे? तो वो थे फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी द राइट आंसर। निम्नलिखित शहरों में से किसे भारत की सिलिकॉन वैली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। ये इजी क्वेश्चन था। डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के कौन से राष्ट्रपति बने थे? 45वें राष्ट्रपति बने थे। जुआन मेवन स्टोन्स को 2016 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो वो मिला था शांति के क्षेत्र में। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनो गुटरेस किस देश के हैं? वो पुर्तगाल के थे। ठीक है, मार्गरित द्वीप जहाँ 17वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ किस देश का है? वो है वेंजुला। नाना साहेब जो 1857 के भारतीय विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े कौन थे? तो ये थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। बम्बई में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले ने। 19वीं सदी के किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने गुहा रहस्यवाद प्रथाओं को अपनाया? तो ये अपनाया था थियोसोफिकल सोसाइटी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कांग्रेस के नरम दल का नेता नहीं था? तो राइट आंसर है अरविंदो घोष। मुस्लिम लीग की का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कराची में हुआ था। निम्न में से लंदन में कर्ज वाइली को की किसने गोली चलाकर हत्या की? तो ये की थी मदन लाल डिगरा ने। मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन प्रारंभ करने के बारे में घोषणा कब की? तो ये की थी 20 अगस्त 1917 में। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो ये थी ताशकंद में। 2017 का कौन सा महीना गांधी के चंपारण पहुंचने की 100वीं जयंती व्यक्त करता है? तो अप्रैल का महीना। किस घटना में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो बारदोली सत्याग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमाइट है, क्या है ये? ये है कास्टर प्रदेश की निष्पक्षतात्मक स्थलाकृतियां। ब्राजील के सुवाना क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सिरियाडो। निम्नलिखित में से द अर्नेस्ट अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है जीएल स्टीयर्स। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है जमुना नाम से। प्रवाल भित्ति पाई जाती है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश पर। हरित क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने बनाया, परंतु इसके कुछ अन्य परिणाम हुए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसमें परिणाम क्या क्या हुए थे? इसमें परिणाम हुए थे, यह गेहूं के मामले में सफल रहा परंतु दालों के मामले में नहीं, ये राइट हो गया। इससे अंतर्राज्य विषमता आ रही है, ये भी राइट है। आई जो अंतर्राज्य विषमताएं आई भी इससे, ठीक है, मृदा की उर्वरता को वापस लौटाने में सहायता की, ये गलत हो जाएगा। कुछ राज्यों में भूमिगत जल स्तर को कम कर दिया, तो ये राइट हो जाएगा। 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है। यदि आपने प्रीवियस ईयर में पेपर दिए होंगे एचएस के, तो आपको पता होगा कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 3 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आपका कट जाता है, 3 क्वेश्चन यदि गलत है तो 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, मिंडियानो खाई किस महासागर में है? तो ये है फ्रेंड्स प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी का राइट आंसर। आपको अब तालिका 1 से तालिका 2 को मिलान करना है। तो जो किम्बरले है, किम्बरले किसकी खान है? तो ये किम्बरले है हरी हीरा की खान, ठीक है, किम्बरले हीरा की खान है, वैंकनी कोयला की खान है। और कटांगा के बारे में यदि आपने सुना होगा, तो कटांगा किसकी है? तांबे की खान है, ठीक है, तांबे की है। और वेस्टर्न किसकी होगी? सोने की होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिलान से है। सुमेलित कीजिए कि निम्न कुटों को सही उत्तर चयन कीजिए, ठीक है, इसको सुमेलित करना है। तो कालेसौर, कालेसौर के बारे में यदि अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो ये किससे संबंधित है? सांस्कृतिक भूगोल से संबंधित है, ठीक है। और डेविड हॉर्फ ये किससे संबंधित है? ये अमूलवादी या भूगोल, रेडिकल भूगोल से संबंधित है, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये हो गया 2 और 4, तो ये आपका डी राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 3-1 हो जाएगा इसका। जो ये है एफिल रेटलिच है, राजनीतिक भूगोल से संबंधित है। और एच जे जॉनस्टन किससे संबंधित है? सामाजिक भूगोल से संबंधित है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ब्राग रेस के, ये इंग्लिश में देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, कॉन्स्टेक जॉन मॉडल में 5वां रिंग क्या इंगित करता है? तो ये करता है कम्यूटर जॉन, ठीक है। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद मैं एलाइड का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ले आऊँगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।